अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.6 का सब टॉपिक स्टॉपवॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो टॉपिक नंबर 1.6 आज हम इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज स्टॉपवॉच स्टॉपवॉच आपने कहीं देखी है जी तो नॉर्मली प्ले ग्राउंड में ये अक्सर अंपायर्स के हाथ में होती है स्टॉपवॉच, ठीक है जैसे कि आप यहां पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल स्टॉपवॉच है और आप एक और पिक्चर में देख सकते हैं ये एक डिजिटल स्टॉपवॉच है सो so, स्टॉपवॉच जो है बेसिकली इसको हम किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए फाइंड करते हैं ओके okay? लाइक like जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग में भी स्टार्ट से एंड तक का वो जो टाइम इंटरवल आप फाइंड आउट करते हैं उस टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए भी आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं सो वी कैन से दैट स्टॉप वॉच इट इज यूज टू मेजर इट इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एंड टाइम इंटरवल ऑफ एंड इवेंट तो किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं अब स्टॉप वॉच जो है बेसिकली यहां पे दो टाइप्स की होती हैं द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड सेकेंड वन इज डिजिटल स्टॉप वॉच अब अगर हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करें तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वह मिनिमम टाइम इंटरवल जो फाइंड आउट कर सकता है दैट इज जीरो पॉइंट वन सेकेंड सो वी कैन से दैट इट कैन मैयर मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ जीरो पॉइंट वन सेकेंड तो जीरो पॉइंट वन सेकेंड जो है बेसिकली इसका क्या हो जाएगा लीज काउंट हो जाएगा सिमिलरली अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड तक मैयर कर सकता है वी कैन से इट कैन मैय मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड क्लियर तो इससे हम इतना टाइम इंटरवल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो जीरो पॉइंट जीरो वन सेकेंड जो है वो इसका क्या हो जाएगा लीस्ट काउंट हो जाएगा क्लियर तो ये थी इसकी दो टाइप्स अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू यूज अ स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सो मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब दैट दैट इज टू द द स्प्रिंग पावर्स वॉच तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक नॉब होती है जैसे कि आप मैकेनिकल स्टॉप वॉच यहां देख सकते हैं आपको इसके ऊपर एक नॉब नजर आ रही है तो नॉब जो है ये बेसिकली पावर देता है उस स्टॉप वॉच को मूव करने के लिए उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने के लिए सिमिलरली इसी ही नॉब से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और इसी ही नॉब से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं क्लियर अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं कि ये किस तरह से स्टार्ट स्टॉप और रीसेट होता है सो so, अब अगर इस नॉब को हम फर्स्ट प्रेस करें तो फर्स्ट प्रेस करने से क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप वॉच है वो स्टार्ट हो जाएगी ओके एंड अगेन जब सेकंड प्रेस करेंगे तो सेकंड प्रेस करने से क्या होगा वो स्टॉप वॉच आपकी स्टॉप हो जाएगी रुक जाएगी और वो जिस पॉइंट पर आके रुकेगी वहां तक आप टाइम जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं तो इस तरह से आप किसी भी इवेंट का जो टाइम इंटरवल है वो आप मैयर कर सकते हैं अब अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टॉप वॉच को दोबारा से जीरो पर लेकर आ जाए मीन्स के रीसेट कर लें तो रीसेट करने के लिए अगेन हम थर्ड प्रेस करेंगे तो आपकी स्टॉप वॉच जो है वो रीसेट हो जाएगी जीरो पर दोबारा से वो जीरो पे आ जाएगी अगेन से फिर आप दोबारा से जब प्रेस करेंगे और अब अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो डिजिटल स्टॉप वॉच बटन एंड रीसेट बटन तो डिजिटल स्टॉप वॉच जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इसके ऊपर दो तरह के बटन होते हैं एक बटन होता है जिससे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और अगेन उसी बटन को प्रेस करने से आप स्टॉप भी कर सकते हैं सिमिलरली एक दूसरा बटन जो है उसको प्रेस करने से क्या होता है कि आपकी जो स्टॉप वॉच है वो दोबारा से रीसेट हो जाती है और दोबारा से उसी इनिशियली जीरो पे वो आ जाती है क्लियर तो ये है स्टॉप वॉच जिसका हमने पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं दैट इज मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच हमने इसकी लीज काउंट डिस्कस किए स्टॉप वॉच काउंट सिमिलरली हमने इनका मैथड पढ़ा कि हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आई होप आपको स्टॉप वॉच का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब हम आगे पढ़ते हैं दैट इज मरिंग सालेंडर तो माइअरिंग सिलेंडर जो है ये बेसिकली क्या है इसमें आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं या आप किसी भी इेगुलर शेप सॉलिड का आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं तो मैयरिंग सिलेंडर जो है ये ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर का बना होता है और इसके अलावा इसके ऊपर जो है स्केल मेंशन होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स uh, जो है वो मिलीलीटर में मेंशन होती हैं और ये डिफरेंट कैपेसिटीज का होता है जैसा मैंने uh, किया कि मैंने यहां यहाँ मैं हंड्रेड एम एल से 2500 फाइव एम तक का अवेलेबल होता है और इसके अलावा हम इससे क्या चीज मैर करते हैं दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मैयर कर सकते हैं एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ पाउडेड सब्सटेंस और जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं आप उनका भी वॉल्यूम मैयर कर सकते हैं एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एन इेगुलर शेप सॉलिड एंड सोल इनसॉल्युबल मैंने यहां पर क्यों कहा क्योंकि जब आप किसी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं तो आपने उसको पानी में डालना होता है तो अब अगर वो सॉलिड इनसॉल्युबल होगा तब ही आप उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं और अगर वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है तो आप उस सॉलिड शेप का वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते क्लियर अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ टू यूज सिलेंडर अब यहां पर आपको एक मयरिंग सिलेंडर नजर आ रहा है जिस पर मैंने जैसे कहा कि ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है और इसके ऊपर एक स्केल मेंशन होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स जो है वो मिली में मेंशन है आप देख सकते हैं मैंने इसको यहां पे कंप्लीट ड्रॉ नहीं किया जैसा कि यहाँ पे जीरो टेन मिली लीटर ट्वेंटी मिली इस सिलेंडर में आप किसी भी चीज का लिक्विड का या इरेगुलर शेप सॉलिड का आप वॉल्यूम मुयर कर सकते हैं नौ लेट सपोज कि मैं किसी लिक्विड का वॉल्यूम मुयर कर रहा हूं तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि इस सिलेंडर में ये लिक्विड जो है ब्लू लाइन जो है लिक्विड को शो कर रही है तो यहां तक सारा जो लिक्विड है वो यहां पर मौजूद है अब मैंने यहां पर रीडिंग मैर करनी है कि कितना वॉल्यूम है डिफरेंट so, लाइन नजर आ रही है सिमिलरली इस जगह पर भी एक लाइन होगी इस लाइन को यहां पर हम कहते हैं मेनिसकस ओके सो अब जब आपने देखना है जब आप इस रीडिंग को नोट कर रहे होंगे तो आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो एग्जैक्ट के सामने होना चाहिए आप ओके okay? आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो एग्जैक्ट इस मेनिस्किस के सामने होगा तब ही आप एग्जैक्ट रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं अगर लेट्स आपका जो आई कंटेक्ट है वो बिलो है ठीक है तो उससे क्या होगा कि हम जो रीडिंग नोट डाउन कर रहे होंगे होंगे ऊपर है? है. की तरफ कहीं मैयर कर रहे हैं हमारा आई कंटेक्ट अगर ऊपर होगा ठीक है तो आप रीडिंग भी जो है वो इस मैनेस्क से अब वाली जो रीडिंग होगी आप गलती से वो नोट डाउन कर लेंगे दैट्स वाई ये तरीका भी गलत है तो हमें मायर करने के लिए यह जरूरी है कि आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो एग्जैक्टली exactly इस के बिल्कुल सामने होना चाहिए तब ही आप एग्जैक्ट रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं तो ये था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मायर करने का तरीका अब हम डिस्कस करते हैं कि अब आपने एक इरेगुलर शेप सॉलिड को मायर करना है कि इसका वॉल्यूम कितना है तो हम करेंगे क्या क्या हम सबसे पहले लिक्विड लेंगे सिलेंडर में और हम लिक्विड लेने के बाद हम इस लिक्विड की रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे लेट्स सपोज कि ये जगह इसकी यहां पर इसकी रीडिंग आ रही है तो मैं कहता हूं वॉल्यूम इनिशियल तो मैंने लेट्स uh, सपोज एक इनिशियल वॉल्यूम मैंने नोट डाउन कर लिया दैट इज हंड्रेड एम ओके अब वो इरेगुलर शेप जिसका मैंने वॉल्यूम मैयर करना है अब मैं उसको इस सिलेंडर में डाल दूंगा अब जैसे ही कोई सॉलिड शेप जब इस सिलेंडर में जाएगी तो आपका जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ओके सो एग्जाम्पल के वाटर का लेवल जो है वो ऊपर आ गया यहाँ तक और मैंने इसमें वो सॉलिड जो स्टोन था या जो पत्थर था मैंने वो इसमें यहां पर ऐसे डाल दिया तो वो पानी के अंदर आ जाएगा बॉटम में ओके, okay. so, अब होगा क्या कि पानी का लेवल जब अबव हो जाएगा तो अगेन इस जगह पर हम एक और रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम नाउ लेट्स सपोज ये फाइनल वॉल्यूम जो है ये आपका आ जाएगा 120 ट्वेंटी एम एल सो अब हम करेंगे क्या हम उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनल वॉल्यूम को माइनस करेंगे इनिशियल वॉल्यूम के साथ सो फाइनल वॉल्यूम इज 120 ट्वेंटी माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज हंड्रेड जब माइनस करेंगे तो आपके पास 20 एम आ जाएगा दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इेगुलर शेप स्टोन ओके तो इस तरह से हम किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम हम मैयर कर सकते हैं अब आप नोट करें कि यहां पर मैंने इस सिलेंडर के अंदर पानी मैंने एडअप्ट नहीं किया लेकिन पानी खुद ब खुद थोड़ा सा ऊपर हो गया जब मैंने इसमें स्टोन को ऐड किया था तो एक्चुअली वो जो पानी ऊपर हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है वो उस स्टोन की वजह से हुआ है सो हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली वो वॉल्यूम किसका था वो स्टोन का था जिसकी वजह से वो पानी आपका रेज हो गया और हमने जब रीडिंग नोट डाउन की तो हमने लास्ट रीडिंग को माइनस कर दिया तो हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाएगा उस एयरगुलर शेप स्टोन का क्लियर सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज